Hi everyone, this is the part 2 for chapter number 4, Inspection, Inquiry and Investigation. We have to start with section number 210 of the Companies Act 2013. तो यहाँ पर जो है बात हो रही है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो 209 तक जो था वो आपको ये पता लगा था दैट बेसिकली इन 208 रिपोर्ट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी है या नहीं होनी है. तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर होनी है या फिर अगर कोई और केस भी है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उस बारे में सेक्शन में है. तो इन्वेस्टिगेशन इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओपिनियन में है कि वहाँ कंपनी के अफेयर्स में जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. तो अब इसकी जो रीजंस हैं वो तीन रीजंस हैं. एक तो यही जो मैंने अभी बताया था 208 में रिपोर्ट में आया है. दूसरा ये कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनको ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर कोई कंपनी में ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जो अफेयर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. तो इन तीन रीजंस की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है. तो अगर ये तीन रीजंस हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो है वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगी. ठीक है, उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो ट्रिब्यूनल को लेकर के आता है. तो ट्रिब्यूनल में क्या है, वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय अ कोर्ट और द ट्रिब्यूनल इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट अफेयर्स दैट द कंपनीज अफेयर्स आर और टू बी इन्वेस्टिगेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि अगर ट्रिब्यूनल का ही ऑर्डर आ गया, कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया, तो फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरी ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना पड़ेगा. अदरवाइज वो जो तीन रीजन्स अभी हमने ऊपर पढ़े थे, SR 208 और पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो है वहाँ पे वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करवाएगी. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एक से ज़्यादा जो है इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है जिससे वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रूल्स 2014 एप्लीकेंट टू पे सिक्योरिटी, तो इस केस में ना कुछ सिक्योरिटी की बात हो रही है. अब ये जो है ये सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो जो एप्लीकेंट है उसको जो है सिक्योरिटी पे करनी होती है. तो यहाँ पर ये जो है ये वैसे तो 214 में है, 214 सेक्शन में है, बट यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो बिफोर अपॉइंटिंग एन इन्वेस्टर अंडर सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 210, वो ये बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एप्लीकेंट है वो क्या करे, वो एक सिक्योरिटी दे विच शुड नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़ फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो ये जो है ये उस केस में है अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में किसी और एप्लीकेंट की एप्लीकेशन आई है, जैसे कंपनी की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई है, SR वगैरह पास हुआ है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो उस एप्लीकेंट से जो है वो सिक्योरिटी रखवाती है, और वो जो सिक्योरिटी होती है इट शुड नॉट एक्सीड 25,000. ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 25,000 तक की होती है. तो उन्होंने यहाँ स्लैब्स बना रखे हैं, अगर टर्नओवर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 50 करोड़ तक है तो 10,000 की सिक्योरिटी, 50 करोड़ से 200 करोड़ तक है तो 15,000 की, और अगर 200 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 25,000 की. ठीक है, अब ये वाली जो सिक्योरिटी है क्या इसका रिफंड हो जाता है, तो फर्दर द अबव रेफर्ड सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन. तो अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट कर जाती है तो फिर जो है ये जो पेनल्टी है ये रिफंड भी हो जाती है. ठीक है, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इसको पढ़ लेते हैं. जो शेयर होल्डर्स हैं हाइड एंड सीक लिमिटेड के, वो सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, और उनको सस्पेक्शन उन्होंने किया है कि कुछ एक्टिविटीज जो है वो इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है. तो 101 आउट ऑफ 500 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर. अब आपको बताया गया था कि SR पास करना पड़ेगा, तो SR का मतलब क्या हो गया, 75% जो है वो होने चाहिए, 75% लोगों के एप्लीकेशन आने चाहिए. तो यहाँ का जो आंसर होगा वो ये होगा, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी. क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर हमको चाहिए था SR, पर यहाँ तो SR पास हुआ ही नहीं है. ठीक है, देन कम्स अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 211. तो 211 जो है वो बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की. तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर जो फ्रॉड है वो ज़्यादा ही सीरियस होगा.
तो द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन एक ऑफिस एस्टैब्लिश करेगी जिसको हम बोलेंगे SFIO या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ना कंटिन्यूएशन ऑफ एन अर्लियर SFIO. तो अंटिल द SFIO एज मेंशन्ड अबव एस्टैब्लिश्ड, जो SFIO सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन नंबर, मतलब इस वाली रेजोल्यूशन में जो उन्होंने सेटअप करा था उसको हम मान लेंगे कि वो जो SFIO है वो है. ठीक है, ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बस इसमें ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक SFIO बनाती है. अब उसके बाद में इस SFIO में होता कौन कौन है, तो इसका एक जो SFIO होता है उसका एक हेड होता है जो कि डायरेक्टर होता है. अब ये डायरेक्टर वो वाला नहीं है, डायरेक्टर है जो उसका हेड है उसको हम डायरेक्टर बोल रहे हैं. और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही होंगे और इनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए. तो जैसे कि आपका बैंकिंग, कॉरपोरेट, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, तो अलग अलग जगह के जो हैं वो एक्सपर्ट्स भी इसमें होंगे. ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्टर इन्होंने बोला, ये जो डायरेक्टर है ये कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट का होना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपका MCQ पर्पस से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि, या फिर ये केस स्टडी में भी ला सकते हैं कि ये मतलब इस पोस्ट पे है, तो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी तो हो ही, उससे ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम वो जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी. ठीक है, और उसके पास में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स और वो हैं आपके ऑफिसर्स, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि उनके पास में भी जो है सारे के सारे फंक्शंस होंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट पर्सन जिनके पास में इन्वेस्टिगेशन, जिनके पास में एक्सपर्टीज है इन सारी की सारी फील्ड्स में. तो ये पॉइंट तो उन्होंने अगेन रिपीट ही कर दिया. नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस में क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो रहेंगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द अबव मेंशन ऑफिसर्स हैं वो रूल नंबर 4 में जो है वो गिवन है. ओके, उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 212. तो 211 में तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, एक तो इन्होंने यही बताया था कि SFIO सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इसका हेड डायरेक्टर होगा, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, और वो जो डायरेक्टर है उसकी पोस्ट जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके बाद में 212 बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO. नाउ ये सीरियस फ्रॉड वाले जो केसेस है ना, ये जो है ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही जो है वो डील करेगा. तो इस केस में क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं. अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या तो रिसीट आती है एज पर 208 या SR या पब्लिक इंटरेस्ट, ये 3 पॉइंट तो सेम ही है. एक पॉइंट ये एडिशनल है, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मतलब ये 4 रीजंस हैं और इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि हाँ हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनको ऐसा लगता है कि हमें SFIO से इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी. तो उस केस में वो जो है वो ऑर्डर करेंगे, साइन करेंगे, और वो मतलब सेड SFIO को जो है वो असाइन कर देंगे और ऑर्डर कर देंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आप करो. अब उसके बाद में जब ये वाली जो ऑर्डर है इन्वेस्टिगेशन का, ये SFIO के डायरेक्टर के पास में आ जाएगा, तो फिर वो SFIO का डायरेक्टर क्या करेगा, वो कुछ इंस्पेक्टर्स जो है वो अपॉइंट कर लेगा और इन्वेस्टिगेशन वहाँ की चालू करवा देगा. ठीक है, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अदर देन SFIO उस पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी. सो नो अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन वेयर केसेज असाइन टू SFIO. तो जहाँ पर भी ऐसा कोई केस है तो वहाँ पर जो है कोई और प्रोसीडिंग उस टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी. इन केस एनी सच इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, इट शेल नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, एंड द कंसर्न एजेंसी, जो कंसर्न एजेंसी होगी जिसकी जैसे बीच में स्टॉप हो गई इन्वेस्टिगेशन, वो सारे के सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड SFIO को दे देगा. ठीक है, उसके बाद में जब SFIO भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो कर देगा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, देन जो डायरेक्टर है SFIO का वो कॉज करेगा द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसके पास में पावर होगी अंडर सेक्शन नंबर 217. और एक चीज़ इन्होंने और दी है, टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड असिस्टेंस टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. तो ये कंपनी एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की हमेशा ही ड्यूटी रहेगी कि जो भी मतलब उनसे इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, असिस्टेंस मांगी गई है वो दे. अब उसके बाद में यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आते हैं, वो ये आते हैं कि जो है ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा डायरेक्टर, उसके पास में कौन सी पावर्स होंगी, वो पावर्स होंगी इंस्पेक्टर वाली, जो भी बंदा आएगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन.
एक चीज जो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो 447 वाली जो ऑफेंस है वो यहाँ पे कवर्ड है, दैट मीन्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो मतलब कि जो भी यहाँ पर ऑफेंसेस होंगे दैट विल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती, और नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिल सकती। तो जो भी यहाँ ऑफेंसेज रहते हैं दीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 447, और ये होते हैं आपके कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, सो नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दो सेक्शन शेल बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड। अब ये जो है ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल के लिए इन्होंने दिया है। तो इसमें ये है कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, लेकिन इसमें ये है कि ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी ना तो जो है रिलीज हो पाएंगे ऑन बेल। अब वो दो कंडीशंस क्या हैं? अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो जो है अपोज कर सकता है एप्लीकेशन को, ऑल्सो वे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजिज द एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन, और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है दैट देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि वो जो है वो गिल्टी नहीं है और जो है वो आगे भी कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा, इसलिए हम उसको बेल दे दें। तो इन दो केसेस में जो है वो बेल मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में है हाउएवर अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स या फिर वुमेन या फिर सिक या इनफॉर्म, तो उसको जो है वो बेल मिल सकती है बिना इसके ही अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शिल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस रेफर टू इन पॉइंट नंबर 6 अबव एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय अ डायरेक्टर और एसएफआईओ और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर इन राइटिंग ऑन हिज बिहाफ। मतलब ये कि ये तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है स्पेशल कोर्ट इस चीज की जब तक कि कंप्लेंट राइटिंग में नहीं आती है किस किस से, डायरेक्टर और एसएफआईओ से या फिर कोई भी ऑफिसर जो सीजी का है, उसके बिना जो है कोई भी कॉग्निजेंस नहीं माना जाएगा। एंड अगर कॉग्निजेंस माना जाएगा तो वो नॉन बेलेबल होगा, और बेलेबल वो किन किन केसेस में होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूशन वाले या फिर इन तीन केसेस में। ठीक है, उसके बाद में है आपका ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो ग्रांटिंग ऑफ बेल में क्या है, जो भी लिमिटेशन है ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल वो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन नंबर 6 में, एंड ये जो है ये एडिशन में है द लिमिटेशंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ। नाउ पावर टू अरेस्ट में क्या है, इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पर क्या है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ, तो अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है वो ऑथराइज होगा इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एज हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन दिस पोजिशन रीजन्स टू बिलीव, द रीजन फॉर सच बिलीव इज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी है ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन रेफर्ड इन सबसेक्शन नंबर 6, तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म हिम ऑन द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट। तो देखो इसमें कुछ इतना घबराने वाली बात नहीं है, इसमें ये है कि जो भी मतलब कोई भी ऑफिसर दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके पास में अगर ये रीजंस टू बिलीव है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है ऑफ द अंडर सेक्शन नंबर 447, तो वो जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा, फिर उसके बाद में इन्होंने ये दिया है इन्फॉर्म कर देगा, और बस इसमें यही है, इतना ही है। ही मे अरेस्ट सच पर्सन एज सून एज मे बी एंड इन्फॉर्म कर देगा कि क्या क्या ग्राउंड्स है उसके अरेस्ट के। ठीक है, उसके बाद में ये है कि वो जो अरेस्ट होगी उसकी कॉपी किसको दी जाएगी, एसएफआईओ को दी जाएगी, और फिर वो जब कॉपी एसएफआईओ को दी जाएगी तो फिर इसमें ये है एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन नंबर 8 शैल विद इन 24 आवर्स मे बी टेकन टू स्पेशल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट एज द केस मे बी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। फिर उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जब अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में उसकी हाजिरी होगी, एंड ये जो 24 आवर्स हैं इसमें जो है ये वाला जो जर्नी वाला टाइम होगा दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो इसमें अभी तक क्या क्या हुआ अरेस्ट वाले पोर्शन में, अरेस्ट वाले पोर्शन में ये हुआ कि जो भी ऑफिसर है अगर उसके पास में रीजंस टू बिलीव है, ऑफिसर कौन से नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, अगर उसके पास में रीजंस है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है 447 का, तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। ये देखो ये सब हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद में एसएफआईओ की। ठीक है ना, तो
तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा कि इन इन ग्राउंड्स पे हम आपको जो है अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ये वाली जो कॉपी है इस ऑर्डर की, ये जाएगी किसके पास में, ये जाएगी कॉपी ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑर्डर और जो भी मटेरियल इन पोजिशन है SFIO के पास में, क्योंकि अल्टीमेटली ये इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी SFIO की ही है। तो इसलिए जो भी ऑफिसर होगा वो SFIO को इस बारे में बताएगा कि हम इस पर्सन को जो है वो अरेस्ट कर रहे हैं। और ये जो जाएगा कॉपी ऑफ ऑर्डर और मटेरियल इन पोजिशन, ये जाएगा एक सील्ड एनवेलप के अंदर। उसके बाद में क्या होगा, जब 24 घंटे हो जाएंगे तो विद इन 24 आवर्स क्या होगा, ये प्रेजेंट किया जाएगा इसको स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है। उसके बाद में है सबमिशन टू इंटरिम रिपोर्ट। जो SFIO है ना, वो इंटरिम रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऐसा बोलेगी। इंटरिम रिपोर्ट मतलब होता है इट इज नॉट येट फाइनल, वो मिड ऑफ द पीरियड में से हो सकता है अगर ऐसा उसको बोला जाएगा, वरना वो क्या करेगा, सबमिट करेगा वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाएगी, तो नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द एक्ट, अ कॉपी ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे बी ऑब्टेन बाय अ पर्सन कंसर्न बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू इन दिस रिगार्ड टू द कोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, CG जो है वो SFIO को डायरेक्ट कर सकती है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो CG के पास में जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो क्या करेगी, वो SFIO को डायरेक्ट करेगी कि आप जो है इन इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में क्या करो, प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो अगर जैसे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फ्रॉड जो है वो हुआ है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो भी डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सनल या फिर जो भी अदर ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने उस चीज़ का अनड्यू बेनिफिट लिया है, उनसे क्या कर दिया जाएगा, उनसे डिस्कॉजमेंट कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का, ठीक है। और क्या कर लिया जाएगा, डिस्कॉजमेंट मतलब रिकवरी, और क्या कर दिया जाएगा, एंड ऑल्सो होल्ड सच ऑफिसर पर्सनली लायबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, और उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी उनके ऊपर हो जाएगी, ठीक है। सो अभी तक जो था ये वाला जो सेक्शन था 212, ये थोड़ा सा हेवी हो गया, तो इसको हम लोग फटाफट से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस सेक्शन में पूरे में क्या है, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये जो चार कंडीशंस हैं, तो अगर उसको देखो कुछ ऐसा सीरियस लगेगा तब वो SFIO को बोलेगा, वरना वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और SFIO को बोलेगी इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो इसमें एक ये वाला रीजन और एडिशनल था, इसके अलावा बाकी 3 रीजन पहले भी थे हमारे, ठीक है। अब उसके बाद में जब ऑर्डर आएगा SFIO का, SFIO के पास में, तो वो क्या करेगा, वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाएगा। एक चीज़ इन्होंने और दी थी कि जब जब आपकी SFIO वाली इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तब कोई और इन्वेस्टिगेशन वहाँ नहीं चलेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चले जाएंगे किसके पास में, SFIO के पास में चले जाएंगे। जो SFIO है उसको उस पीरियड में कंडक्ट करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन जिस पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगी, और उसके पास में जो भी इंस्पेक्टर होगा जिसको SFIO अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पास में जो भी 217 में पावर्स हैं इंस्पेक्टर की, वो सारी की सारी पावर्स होंगी। जो भी कंपनी और उसके ऑफिसर्स हैं उनको जो है इंस्पेक्टर के साथ में कॉपरेट करना पड़ेगा। नाउ कम की ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस हैं उनका क्या है, तो ऑफेंसेस के लिए इन्होंने ये दिया है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। ये बेलेबल है कुछ सिचुएशंस में, तो वो सिचुएशंस क्या थी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको अपोज किया है, और जो है जो कोर्ट है वो भी सेटिस्फाइड है कि मतलब इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट गिल्टी एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट सच ऑफेंस, तो वहाँ पर बेल हो सकती है, या फिर वो जो है वो 16 ईयर्स से कम का है, या फिर वो विमेन है, या फिर वो सिक या इनफर्म है। अब वो जो एज है लिमिट 16 ईयर्स, उसमें तो वो दोनों जेंडर्स कवर हो रहे हैं, लेकिन जो वुमन है तो वुमन फिर 16 ईयर्स से अबव वाली भी, मतलब वुमन जो है, मैन नहीं है यहाँ, एज वाला लिमिट है, वुमन वाला लिमिटेड है, जो सिक या इनफॉर्म है उसके लिए है, तो वो लोग भी, उनको भी वहाँ बेल मिल सकती है। फिर उसके बाद में जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं SFIO के, वो अरेस्ट कर लेंगे अगर कोई भी गिल्टी पर्सन होगा, अगर उनके पास में जो रीजंस हैं वो हैं। फिर उसके बाद में अरेस्ट वाली जो बात थी वो स्टार्ट हो गई थी कि अरेस्ट होंगी तो उस पर्सन को बताया जाएगा, उसकी कॉपी जो है वो SFIO को दी जाएगी, और ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स होंगे दे विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ व्हाट, असिस्टेंट ऑफिसर। और SFIO का डायरेक्टर क्या था, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अरेस्ट करने की 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेशी जो होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में होगी। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंटरिम रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो इनिशिएट कर सकती है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में, और मतलब वो ये है कि वरना तो वो फाइनल रिपोर्ट मंगाएगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो
जब रिपोर्ट्स देख लेगी तो वो प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें यही है कि अगर जो है रिपोर्ट में फ्रॉड लिखा है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो फिर जो है डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड लाइबिलिटी दे दी जाएगी और डिस्कॉजमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 212। तो काफ़ी लेंदी सेक्शन था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि अब तक ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में अब आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 213, जो बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंपनी अफेयर्स इन अदर केसेस। तो ये अदर केसेस की बात हो रही है, तो अदर केसेस में क्या है, एनसीएलटी आ जाता है। अब 213 से किसकी एंट्री हो गई, ट्रिब्यूनल की, मतलब एनसीएलटी की, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो फॉलोइंग केसेस में जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर कर सकता है। तो फॉलोइंग केसेस क्या है, यहाँ पर दो केसेस हैं। पहला तो ये है कि अगर जो ट्रिब्यूनल है उसको एप्लीकेशन दी है कंपनी ने, तो कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, तो अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल है, तो उस केस में या तो 100 मेंबर्स ने या फिर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, जिन मेंबर्स के पास में 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अगर कंपनी के पास में नहीं है शेयर कैपिटल, तो उस केस में 1/5 ऑफ द पर्सन जो कि रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में है, या फिर कोई और लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि या तो कंपनी ने, आप कंपनी के लिए दो सिनेरियोस, और या फिर किसी और अदर पर्सन ने जो है एप्लीकेशन दी है, और एनसीएलटी जो है वो इस केस में सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ के लिए क्या पॉइंट्स हैं, अदर पर्सन वाले के लिए क्या पॉइंट्स हैं, कि जो बिजनेस है वो इस इंटेंशन के साथ हो रहा है कि वो डिफ्रॉड करा जा रहा है क्रेडिटर्स मेंबर्स को, या अनलॉफुल पर्पज के लिए हो रहा है, या मैनर दैट इज ऑपरेसिव टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी जो है वो फ्रॉडलेंट अंडर प्रैक्टिस की वजह से हुई है, जो पर्सन कंसर्न है वो गिल्टी है फ्रॉड का, मिसफेयरेंस का, या अदर मिसकंडक्ट का, या फिर मेंबर्स को जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, मेंबर्स को सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है, इंक्लूडिंग कमीशन टू केएमपी। तो इन सारे के सारे केसेस में वो लोग क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनसीएलटी को कि प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेशन करवा दो, और वरना ये वाले केसेस जो है कंपनी जो है एप्लीकेशन दे रही है, और इसके साथ में वो सपोर्टिंग एविडेंस भी दे रहे हैं जो भी उस पर्पज़ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला है कि इन सारी की सारी चीज़ों से पहले जो है ट्रिब्यूनल भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देगा जो भी पार्टीज कंसर्न है, कि आप अपनी सफाई में कुछ बोलिए, ठीक है। ये हमेशा होता है, एकदम से कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता। तो फिर क्या होगा, जैसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अब उसके बाद में जब ट्रिब्यूनल ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दे दी और उसने फिर भी ये ऑर्डर पास कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, कॉम्पिटेंट पर्सन को, कि वो जो है वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं एकदम, तो फिर जो भी ऑफिसर है और जो भी पर्सन्स कंसर्न है वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, वो मतलब लायबल हो जाएंगे फॉर अंडर सेक्शन नंबर, पर्सनली लायबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन नंबर 447। उसके बाद में ये 214 सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, तो वो सिक्योरिटी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी वो वही सारे स्लैब्स हैं, 10,000, 15,000, 25,000, और ये रिफंड हो जाएगी। तो ये बेसिकली 210 और 213, तो ये मतलब 210 वाली इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल वाली, और 213 वाली एसएफआईओ वाली में नहीं है, ये ध्यान रखना, 210 वाली में है ये सिक्योरिटी, क्योंकि इसी में ही तो कोई और जना कर रहा है ना, और या फिर आपकी 213 वाली में, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो है आपको जो है सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आपको रिफंड हो जाएगा अगर प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट करता है। देन उसके बाद में 215 वाली जो है वो बात करता है कि नो फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। इसका क्रक्स ये है कि केवल और केवल एक इंडिविजुअल ही इंस्पेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकता है। तो बस 212 थोड़ा सा लेंदी था, इसको बार बार देख लेना, बाकी तो सारे छोटे छोटे सेक्शन थे। तो अभी तक हम लोगों ने 215 तक कर लिया है, और 216 से फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है 229 तक चलेगा, बट बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। बीच बीच में थोड़े बड़े बड़े सेक्शंस हैं, बट वी विल डू इट वेरी क्विकली। एक आपको 217 ही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो सब छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।